मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान 3 दिसंबर को थम जाएगा। कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर में मिठाई की दुकानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाइन लगी पड़ी है। कार्यकर्ता जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो अभी से मिठाई लेने पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम विधायक जो है जीत के विधानसभा में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कल का जो है हम लोग मतगणना स्थल पर रहेंगे तो इसलिए ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। जीत हमारी तय हो चुकी है और हमने आज ऑर्डर दिया लड्डू का, मिठाई का, आतिशबाजी का और सब चीज़ें जो है, मतलब इसको ऑर्डर पहले से दे दें कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आज जो है दुकानों में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए काम करती है और उसी देह को लेके जो है हम लोग की सरकार बन रही है और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। एमपी में 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो वहीं कई अलग अलग एग्जिट पोल की माने तो वो बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता पूरे कॉन्फिडेंस में है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।